मेरा आके तो कितने लोग हैं, मेरा तो कितने लोग आके मेरा वो देखो ना सामने जैसा आपने कहा सच मुझे सभी की भावना है फिर ठीक है। विश्वास की कोई पूर्ति नहीं हो सकती है, भगवान का दर्जा मैं उनको देता हूँ, उनके हंसाने का काम 40-45 साल तक लगातार कुछ सालों से, तो वो पिछले 15-17 सालों से जब से मात्र शो आया है मंच के अलावा घर घर में जहाँ जहाँ हिंदी समझा जाता है देखा जाता है, हर घर में रोजाना वो किसी न किसी माध्यम से आपको हंसा है, तो ये हर घर का दुख है, हर उस बंदे का दुख है हिंदी कॉमेडी से प्यार करते समझते हैं। हम सबके लिए तो कॉमेडी वालों के लिए तो अंदर वाला कोई शब्द ही नहीं है, हमारे गुरु हमारे बड़े भाई का शारीरिक रूप से बोलते हैं। आपकी लास्ट में उनसे कब बात की थी? अभी जब हमारी मैंने एक फिल्म बनाई गाने गलो उसकी विश लेने के लिए पॉइंट में गया था उनके पास में, तो उन्होंने बोला ये क्या है गाने गलत है क्या, तो जिनको पसंद पता है मैं पसंद नहीं करता गाने गलो नहीं कॉमेडी, लेकिन एक फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल स्टैंडर्ड कॉमेडी जो गाली गलौज आ गया इसके खिलाफ है, तो मैंने कहा आप पॉइंट दे दीजिए उसके लिए, तो मैंने कब रिलीज कब हो रही है थोड़ा टाइम सुबह रिलीज का डेट लेकर आ जाए, तो दोनों भाई मिलते उसका वीडियो बनाते हैं क्योंकि मुझे भी पसंद है गाली गलौज, साफ सुथरी कॉमेडी करते थे, पारिवारिक कॉमेडी करते थे, आपको इतने महान हस्ती को हमने शारीरिक रूप से खो दिया, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उनकी आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के सपोर्ट के लिए प्रार्थना कीजिए, और साथ साथ गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का काम किया है उन्होंने, हंसाने का काम किया है, रोलाने लगे तो बहुत लोग होते हैं, तो आज लोग के निवेदन है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, बहुत बड़ा कार्य किया और इस काम की शुरुआत की आप कॉमेडियंस बहुत बड़ा कार्य करते हैं, और राजेश श्रीवास्तव जैसे जैसे व्यक्ति को और उनकी एक इच्छा थी वो बाइकिंग भी बने ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे जीरो से हीरो एक कॉमेडियन अपने बुरे हाल भुगत कर 4-5 डिवीज़न के बाद पहले वो ऑटो चलाते थे पैदल चलते थे, फिर वो कैसेट आई मंचों पर आया, फिर कैसेट पर आया टीवी पर फिल्मों में राज सबके दिलों में, तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े अवार्ड और रिवार्ड के सामने वैसे तो कुछ नहीं है कि ईश्वर का काम किया, ईश्वर के काम का कोई तुलना नहीं हो सकती, तो मैं भारत रत्न इसलिए कि भारत का बहुत बहुत ही लाडला व्यक्ति। सुनील जी आपको लगता है काम करते समय सेहत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता कलाकारों का? किसी भी कलाकार का नहीं जाता, तो उसके लिए कुछ सुझाव देंगे बिकॉज बहुत ज़रूरी है उसका ध्यान रखना। देखिए क्या लोग कलाकार की ज़िंदगी जो होती है लोगों को तो बहुत चमकदमक बड़ी लगती है, लेकिन वो समाज से और नियमों से बिल्कुल उल्टा चलता है, जब आप सो रहे होते तो हम लोग फ्लाइटें पकड़ रहे होते, जब आप खा रहे होते तो हम लोग काम कर रहे होते, जब आप लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते तो हम सफ़र कर रहे होते, यात्रा कर रहे होते, दिल दुख के आप लोगों का मतलब सामान्य जीवन से ऐसा होता है, तो ऐसे में अगर आपको काम करना है तो टाइम रेट डेट कुछ फिक्स नहीं, ध्यान जितना रख सके रखें। अच्छा सुनील जी बहुत सारे राजनीति के बाद बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं वो बनते गए, लेकिन जिस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी को एक नई पहचान दी, साथ ही साथ जिस तरीके से वो ग्रामीण भाग से जो खासा उनका जुड़ाव रहा, राजू जी के बाद आज तक जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उस पॉपुलेशन से उनके जैसा कोई जुड़ नहीं सका, तो अब उस कमी को कैसे करते? देखिए राजेश श्रीवास्तव को दूसरा तो हो नहीं सकता, उसकी शक्ति तो पूरी नहीं की जा सकती, मैं समझता हूँ कि हम सबको आप लाड़ से प्यार से कभी कभी कॉमेडियन को स्टार कह देते होंगे, तो हम अगर आपके प्यार के वजह से अगर स्टार कहलाए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि राजेश श्रीवास्तव के तो आसमान, हम उस आसमान के तहत चमकने वाले सितारे हैं और हमेशा उस आसमान के तहत ही हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा और कह सकते कि प्रेरणा मिलती रहेगी, उनकी जगह सवाल ही निकल गया, क्योंकि इतनी गहराई इतनी कॉमेडी की समझ, नॉर्मल जोक को भी साधारण जोक को भी वो इतना बढ़िया बना के पेश कर देते कि मैं समझता हूँ कि आजकल रील में और आप देखेंगे अगर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा उन्हीं के जोक को सुनाया जाता है और सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।